हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपना चैनल अल्फा स्टडी में। जी हाँ फ्रेंड्स, तो कैसे आप लोग, उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे। तो आज जो बात करने वाले लेखपाल भर्ती जो आया था उसके एग्जामिनेशन से संबंधित बहुत सारे दोस्त लोग का कमेंट आ रहा है, बहुत सारे डाउट है कि एग्जामिनेशन होगा या नहीं होगा, वैकेंसी रद्द कर दिया गया है, एग्जामिनेशन होगा तो कब होगा। तो इसी से संबंधित बहुत अच्छे गुड न्यूज लेके आए हैं। अगर आप यहां तक पहुंच गए हैं तो पूरा वीडियो देखिए और अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो आइए सबसे पहले बात करेंगे सॉरी, तो इस बार जो पोस्ट आया था 6570 पोस्ट है और इसका जो एग्जामिनेशन होना है सीबीटी, आप जैसा कि आपका एडमिट कार्ड भी जारी कर दिया गया था और बहुत जल्दी फास्ट प्रोसेस में था लेखपाल भर्ती का, लेकिन कुछ ऐसा मामला हो गया। मामला क्या हो गया, जो बिहार में आप जानते हैं कि जातीय जनगणना हुआ उसके बाद से जो आरक्षण को 65% कर दिया गया था, लेकिन हाई कोर्ट और बाद में सुप्रीम कोर्ट ने इसको नकार दिया। अब क्या हो गया कि आप देखे होंगे पेपर में, तो अब जो पुराना आरक्षण नियम है 50%, इसी के कारण आपका एग्जामिनेशन प्रोसेस रुक गया था। अब क्या हुआ, देखे होंगे आप कि TRE 3 में भी जो रिजल्ट आने वाला है 50% आरक्षण के बेस पे, तो आपका जो ये एग्जामिनेशन इस वजह से रुका था कि ये जो वैकेंसी है 6570 जिसमें मेल के लिए 4270 पोस्ट था और 2300 पोस्ट फीमेल के लिए था। जो कैटेगरी वाइज इस प्रकार है आप देख पाए होंगे, ठीक है। तो अब क्या है, जो 65% के आधार पर इसको बांटा गया था 65% के आधार, अब इसको क्या करना है 50%। आप ये सोच रहे होंगे कि तो तुरंत का बात है नहीं, इसके लिए फिर से आयोग सरकार के पास भेजती है और सरकार इसका फिर से रोस्टर क्लियर करके देता है, सरकार फिर से इसको रोस्टर क्लियर करके देगा और जिस पोस्ट के लिए जितना वैकेंसी आएगा 50% से, तो ये टोटल वैकेंसी चेंज होने वाला है। ये जितना देख रहे हैं ना, अब जो आने वाला है 50% आरक्षण से लेगा। और बात करेंगे एग्जामिनेशन से संबंधित, तो इससे पहले जो लेखपाल का वैकेंसी आया था तो उसमें कुछ हमारे दोस्त लोग ऐसे हैं जिनका सिलेक्शन हुआ है, कुछ एक तो मेरे भैया भी हैं, तो उनसे बात करने पर वो बताए एग्जामिनेशन से संबंधित, तो आपका जो एग्जामिनेशन रोस्टर क्लियर हो के आपका एग्जामिनेशन अक्टूबर में होने वाला है, तो यानी सितंबर के 15 से 20 तक ले आपको इससे एग्जामिनेशन से संबंधित नोटिस मिलने वाला है। तो ये आपके लिए बहुत अच्छा गुड न्यूज है। अब बहुत सारे दोस्त लोग ऐसा भी है कि एग्जामिनेशन का तैयारी करना छोड़ दिए हैं और ये सोच रहे हैं कि पता नहीं रद्द हो जाएगा, तो ऐसा कोई बात नहीं, एक बार वैकेंसी आ जाती है तो वह एग्जामिनेशन होना तय है। तो अगर आप भूल गए हैं तो आपको थोड़ा सा सिलेबस फिर से याद करवा देते हैं। आपको अकाउंटेंट से संबंधित क्वेश्चन पूछेगा, टैक्सेशन से पूछेगा और करेंट अवेयर मतलब जनरल अवेयरनेस से क्वेश्चन, और उसके बाद बेसिक कंप्यूटर से क्वेश्चन पूछने वाला है और पंचायत से, बिहार के पंचायती राज से क्वेश्चन पूछने वाला है। टोटल क्वेश्चन 100 नंबर के होने वाला, 90 मिनट यानी डेढ़ घंटा का समय 1/2 डेढ़ घंटा का समय आपको दिया जाएगा, निगेटिव मार्किंग नहीं रहेगी। और उसके बाद जो सिलेक्शन प्रोसेस कैसे होता है, जो एग्जामिनेशन होगा तो इसमें कैसे आपका मेरिट बनेगा, तो आपका सिलेक्शन कैसे होगा, तो जो आप रिटेन एग्जामिनेशन में नंबर ला रहे हैं, मान लीजिए कि आप 100 में 90 नंबर लाए और आपका ग्रेजुएशन में 70% है, तो इस 70 का 35 जुटेगा, आप नोटिफिकेशन में देखे होंगे, और 90 का 45, और जिसका जो जितना मार्क्स होगा उसके अनुसार से
5, 5, 10 के 0, 4, 3, 7, 1, 8 80 मार्क्स हो गया आपका। तो इसी बेस पे आपका मेरिट बनने वाला है। तो आप एग्जामिनेशन के लिए अभी से अगर भूल गए हैं तो कुछ तैयारी करना प्रारंभ कर दीजिए, ताकि आपके पास अब एक महीना का समय बचा हुआ है। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। जय हिंद।